हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 क्लास 12 केसी सिन्हा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 18 तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। ये रहा हमारा सवाल नंबर 15, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सरसाइज का नाम है। दिया गया कि इफ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x सो डैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। हमें इस एक्सरसाइज के सवालों में क्या करना है कि LHS वाले पोर्शन को RHS के बराबर प्रूफ करके दिखाना है। तो ये हमारा रहा LHS पोर्शन, जहां पे y2 और y1 भी नजर आ रहा है। तो y2 को हम लोग क्या बोलते हैं, d2y by dx स्क्वायर बोलते हैं। नोटेशन में y2 को हम लोग क्या बोलते हैं, d2y by dx स्क्वायर। और y1 को क्या बोलते हैं, dy by dx। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा कि जो y हमको दिया गया है, इस y को डिफ्रेंशिएट करके dy by dx निकालो, अगेन डिफ्रेंशिएशन करके d2y by dx स्क्वायर निकालो, और फिर उसके इस LHS वाले पोर्शन पे रख दो, जीरो आपका आ जाएगा। चलो बनाते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू आपका दिया गया है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। डिफरेंशिएटिंग करते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर, t cos log x का डिफरेंशिएशन। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, यहां पे चैन रूल लगने वाला है, क्योंकि cos x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना मांगता है। तो x के यहां पर कौन बैठा हुआ है, log x। तो पहले log x आया और फिर d log x ऊपर, अब जाके तुम्हारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका कंप्लीट हुआ। अब आगे आते हैं, 4 कांस्टेंट बाहर है और डिफरेंशिएशन होगा sin log x का किसके रिस्पेक्ट में, पहले log x के रिस्पेक्ट में, और इनटू d log x by dx। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x होता है। तो यहां हो जाएगा माइनस साइन log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x प्लस 4। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1 by x। तो dy by dx किसके इक्वल आ गया, dy by dx हमारा आ गया। पहले प्लस वाले पोर्शन को लिख लेते हैं, 4 cos log x, 4 cos log x by x, और फिर माइनस 3 sin log x by x, 3 sin log x by x। अगर हम LCM लेंगे यहां पे, तो x LCM आ जाएगा। dy by dx किसके इक्वल हो जाएगा, तब dy by dx इक्वल टू 4 cos log x माइनस 3 sin log x, और फिर डिवाइडेड बाय x। ये हमारा आया dy by dx। तो dy by dx निकल गया। अब हमें निकालना है d2y by dx स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएटिंग इसका करना होगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू। तो dy by dx को हमें क्या लिख लेना होता है, d2y by dx स्क्वायर। और यहां पे देखिए आपका u by v का यहां पे फॉर्मूला लगने वाला है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले u को बाहर छोड़ा जाता है, इसको हम लोग बाहर छोड़ दिए, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, भी बाहर हो गया, u का डिफरेंशिएशन होगा। 4 कांस्टेंट बाहर, d cos log x का किसके रिस्पेक्ट में, पहले log x के रिस्पेक्ट, और फिर इनटू d log x by dx। फिर माइनस है, माइनस हम लोग लिए 3 d sin log x किसके रिस्पेक्ट में होगा, log x के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू डी लॉग एक्स बाई डीएक्स। तो यहां भी बाहर था, यू का डिफरेंशिएशन हुआ,
अब फिर माइनस, अब यू बाहर रहेगा, माइनस यू बाहर करते हैं, फोर कॉस लॉग एक्स माइनस थ्री साइन लॉग एक्स, ये पूरा टर्म हमारा बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, एक्स का डीएक्स बाय डीएक्स, और डिवाइडेड बाय फॉर्मूला में क्या होता है, वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर, और वी क्या है हमारा, एक्स है, एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इक्वल टू एक्स। अब यहां पे देखो फोर है, एक ब्रैकेट ले लेते हैं, और कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन लॉग एक्स, फोर माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स, इसका कंप्लीट हुआ है ना। अब फिर माइनस थ्री साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, ये पूरे इस पोर्शन का यहां पे डिफरेंशिएशन। फिर माइनस फोर कॉस लॉग एक्स माइनस थ्री साइन लॉग एक्स, और डीएक्स बाई डीएक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर, और वी कितना है, एक्स था, एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो इस पूरे पोर्शन में यहां और यहां दोनों में वन बाई एक्स कॉमन है, तो वन बाई एक्स कॉमन कर लेते हैं यहां से, इक्वल टू एक्स इंटू वन बाई एक्स हम लोग कॉमन कर लें। अब यहां पे क्या क्या बच गया, माइनस फोर माइनस फोर साइन लॉग एक्स बचा, फिर यहां पे बच गया माइनस थ्री कॉस लॉग एक्स, है ना। इसमें दोनों में माइनस अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस वाला माइनस में, और जो माइनस में प्लस में हो जाएगा, माइनस फोर कॉस लॉग एक्स प्लस थ्री साइन लॉग एक्स डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, इक्वल टू यहां पे माइनस फोर साइन लॉग एक्स है, माइनस फोर साइन लॉग एक्स माइनस थ्री कॉस लॉग एक्स, माइनस फोर कॉस लॉग एक्स प्लस थ्री साइन लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। तो हम लोग निकाल क्या रहे हैं, डी टू वाई बाई डिक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो डी टू वाई बाई डिक्स स्क्वायर का जो फाइनल वैल्यू आ चुका है, माइनस फोर साइन लॉग एक्स और प्लस थ्री साइन लॉग एक्स, ये किसके इक्वल होगी, माइनस साइन लॉग एक्स के, माइनस साइन लॉग एक्स, और माइनस थ्री कॉस लॉग एक्स माइनस फोर कॉस लॉग एक्स मिलकर कितना हो गया, माइनस सेवन कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ गया डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब एलएचएस वाले पोर्शन को ले लेते हैं, एलएचएस सवाल में कितना था, LHS इक्वल टू LHS हमारा था एक्स स्क्वायर वाई टू, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन और फिर प्लस वाई, ये हमारा LHS पोर्शन था, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और देखो वाई टू हमारा डी टू वाई बाई एक्स स्क्वायर को ही वाई टू बोला जाता है, वाई टू कितना आया है, माइनस साइन लॉग एक्स माइनस सेवन कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, एक्स और वाई वन किसको बोलते हैं, डी वाई बाई डिक्स को, तो डी वाई बाई डिक्स का वैल्यू कितना आया है, यहां पे निकाले हुए थे डी वाई बाई डिक्स हमारा आया है फोर कॉस लॉग एक्स माइनस थ्री साइन लॉग एक्स बाई एक्स, फोर कॉस लॉग एक्स
माइनस थ्री साइन लॉग एक्स और फिर डिवाइडेड बाई एक्स, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स था, प्लस वाई। वाई का वैल्यू सवाल में कितना दिया गया था? सवाल में वाई था थ्री कॉस लॉग एक्स, थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस फोर, प्लस फोर साइन लॉग एक्स, है ना, फोर साइन लॉग एक्स। ये आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, यहां पे एक्स से एक्स कैंसल, बाकी जो टर्म है उसको लिखा जाए इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स माइनस सेवन कॉस लॉग एक्स प्लस फोर कॉस लॉग एक्स माइनस थ्री साइन लॉग एक्स प्लस थ्री कॉस लॉग एक्स और प्लस फोर साइन लॉग एक्स। क्या क्या कैंसिल होने वाला है देखो, माइनस थ्री साइन लॉग एक्स और माइनस साइन लॉग एक्स, तो माइनस हुआ कितना हो गया टोटल चार, ये चार ये दोनों मिलके और चार यहां प्लस में है, और फिर देखो माइनस सेवन कॉस लॉग एक्स है और फोर कॉस लॉग एक्स और प्लस थ्री कॉस लॉग एक्स, कितना हो गया सेवन, तो सेवन माइनस में और ये दोनों सेवन प्लस में, इक्वल टू कितना हो गया जीरो। और यही हमें आरएचएस में प्रूफ करके दिखाना। चलो इसका अगला सवाल आता, सिक्सटीन नंबर सवाल में आपका है, इफ y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स सो डैट डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो। तो इस सवाल में भी आपको जो है फोर टाइम्स मतलब डी फोर तक जाना है तुम्हें, और हमें निकालना है डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर। तो डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालो, फिर डिफरेंशिएशन करो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकलेगा, फिर डिफरेंशिएशन करो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू निकलेगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो हमें मिल जाएगा डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर। देखो बनाते हैं, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पे u इंटू भी लगने वाला है और u इंटू भी में तुम्हारा u बाहर e माइनस एक्स बाहर, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस कॉस एक्स बाहर डी ई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन पहले किसके रिस्पेक्ट में, माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ई एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा है, माइनस एक्स, तो पहले माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, लेकिन हमें तो जाना था एक्स के रिस्पेक्ट में, जबकि यहाँ नीचे क्या है माइनस एक्स, तो फिर से एक बार चेन रूल लगाना होगा यहाँ पे डी माइनस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू ई माइनस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स और यहां माइनस बाहर कर देंगे तो बचेगा डी एक्स बाई डी एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है माइनस वन इक्वल टू माइनस ई माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस ई माइनस एक्स कॉस एक्स। अगर हम दोनों से ई माइनस एक्स कॉमन कर लें तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स और फिर माइनस कॉस एक्स, कितना हो जाएगा। अब हम लोग अगेन डिफरेंशिएटिंग करते हैं क्योंकि u इंटू भी फिर से आया है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां भी u इंटू भी का फॉर्म है, u के जगह पर कौन है e टू दी पावर माइनस एक्स और v के जगह पर ये पूरा पोर्शन e माइनस एक्स बाहर, तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा माइनस डी साइन एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि माइनस कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, फिर माइनस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, तो u बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस इस बार v बाहर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर, और डिफरेंशिएशन होगा डी ई माइनस एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर डी माइनस एक्स बाई।
इक्वल टू ए माइनस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स, तो यहाँ हो गया माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस हो गया प्लस साइन एक्स, प्लस इधर आते हैं माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, और यहां मिल गया आपको माइनस वन। अगर हम दोनों से माइनस साथ में पहले गुणा कर लेते हैं क्या, ए माइनस एक्स और फिर माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहां पे कितना हो जाएगा माइनस ई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर हम दोनों से e माइनस एक्स को कॉमन कर लें, क्योंकि दोनों जगह पे है e माइनस एक्स, e माइनस एक्स कॉमन कर लें, तब क्या बचा, यहां बचा माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये हमारा माइनस दोनों में चला जाएगा, तो हो जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कॉस से कॉस कैंसल हो जाएगा, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा। साइन एक्स हो गया टू साइन एक्स, टू ई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ये आया हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर से डिफ्रेंशिएट करो, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री मिल जाएगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री इक्वल टू, टू कॉन्स्टेंट बाहर पहले ही कर दिए, चलो फिर से u इंटू बी का फॉर्मूला है, ए माइनस एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस इस बार साइन एक्स बाहर, और डी ई माइनस एक्स बाई पहले किसके रिस्पेक्ट में माइनस एक्स, और फिर डी माइनस एक्स बाई डी एक्स, यहां u इंटू भी लगाए हम लोग, इक्वल टू टू e माइनस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई माइनस एक्स, और यहां माइनस बाहर करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू वन हो जाएगा, माइनस वन यहां मिल जाएगा, इक्वल टू टू e माइनस एक्स कॉस एक्स, और फिर ये माइनस e माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, दोनों से e माइनस एक्स कॉमन कर लेते हैं, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू इक्वल टू टू ई माइनस एक्स, और फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यहां पे मिल। अब डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर निकालना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब हो गया डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट बाहर कर दिए, और यहां फिर से u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं, u के जगह पर कितना e टू दी पावर माइनस एक्स, और v के जगह पर कितना cos x माइनस साइन एक्स, e टू दी पावर माइनस एक्स बाहर, और डिफ्रेंसिएशन आपका हो जाएगा d cos x बाई डी एक्स माइनस डी साइन एक्स बाई डी एक्स, U बाहर भी का डिफरेंशियल प्लस अब भी बाहर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाहर, और डी ई माइनस एक्स इसके रिस्पेक्ट में पहले माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स बाई डी एक्स, ये हमारा U इंटू भी में टूट गया फंक्शन, इक्वल टू टू ई माइनस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, और फिर माइनस बाहर डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस वन, इक्वल टू टू ई टू द पावर माइनस एक्स, यहां है दोनों जगह पे है e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर माइनस यहां पे लगा देते तो जगह माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स,
e टू द पावर माइनस एक्स यहां भी है, यहां भी है, कॉमन कर लेते हैं, इक्वल टू टू e टू द पावर माइनस एक्स। अब क्या बच जाएगा, यहां बचेगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये माइनस दोनों टर्म में जाएगा तो माइनस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसल, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर हो जाएगा हमारा, माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस टू कॉस एक्स, टू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस टू कॉस एक्स, ये दोनों मिलके माइनस टू कॉस एक्स हुआ, डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर इक्वल टू, टू और टू मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हमें प्रूफ करना था तो एलएचएस वाला पोर्शन क्या था, एलएचएस ले लेते हैं, सवाल में हमें जो प्रूफ करना है उसका एलएचएस है डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर और प्लस में फोर वाई, ये था हमारा डी फोर वाई बाई इतना आया, देखो अभी आया है माइनस फोर ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारा डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर का वैल्यू है, और प्लस में फोर वाई का वैल्यू सवाल में कितना दिया गया था वाई का शुरुआत में, तो सवाल में y हमारा था e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये वैल्यू y का सवाल में दिया गया है, चार माइनस में है चार प्लस में है, कैंसिल होके कितना हो गया जीरो, और यही हमें प्रूफ दिखाना था। इसका अगला सवाल हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया कि इफ ई वाई एक्स प्लस वन इक्वल टू वन सो डैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक निकालना है, तो फंक्शन हमारा इधर है ई वाई और फिर एक्स प्लस वन इक्वल टू वन, हम लोग क्या करते हैं कि ई वाई इधर रख लेते हैं और एक्स प्लस वन को राइट साइड पे भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा यहां पे। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ई वाई पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, ई एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट होता है, तो ई एक्स एक्स यहाँ पे क्या लगा हुआ है वाई लगा हुआ है, तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में हो, फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वन बाई एक्स प्लस वन और डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे वन बाई एक्स का फॉर्मूला, डी वन बाई एक्स का फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट, मतलब जो टर्म यहाँ पे है उसी के रिस्पेक्ट में होगा, तब इसका फॉर्मूला होता है बेसिक फॉर्मूला में क्या लिखा है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो यहां पर कितना है एक्स प्लस वन है, तो पहले एक्स प्लस वन के रिस्पेक्ट में होगा और फिर इंटू डी एक्स प्लस वन बाई डी एक्स, ई वाई का डिफरेंशिएशन ई वाई ही हो जाएगा क्योंकि ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स और फिर वन बाई एक्स का फॉर्म, तो वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू, यहां पे देखो यू प्लस भी है इसको तोड़ेंगे डी एक्स बाई डी एक्स और प्लस डी वन बाई डी एक्स, तो इसका वैल्यू वन प्लस जीरो और वन प्लस जीरो इंटू क्या हो गया वन ही हुआ। अब ई वाई का वैल्यू देखो, ई वाई की जगह पे हम लोग बैठा सकते हैं क्या, वन बाई एक्स प्लस वन, यहां रखते हैं वन बाई एक्स प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, हम 1 बाई एक्स प्लस वन से इसके स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, ये स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो dy वाई बाई डी एक्स सिर्फ किसके इक्वल हो गया, dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स प्लस वन हो। अब इसे हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक लेके जाना है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में बदल जाएगा इक्वल टू माइनस बाहर कर दिए और डिफरेंशिएशन होगा डी वन बाई एक्स प्लस वन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स प्लस वन के रिस्पेक्ट में और फिर डी एक्स प्लस वन बाई डी एक्स, वन बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर और माइनस ऑलरेडी आपका पहले से भी लगा हुआ है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर और यहां वन प्लस जीरो तो वन ही हुआ, माइनस माइनस कैंसल, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया,
वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये हमारा देखो डी टू आई बाई एक्स स्क्वायर निकल गया, और यही बात हमें एल एच एस में लेके चलना था। अब एल एच एस आर एच एस पे आते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा एल एच एस हो चुका है। अब आर एच एस आते हैं, आर एच एस में हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। और डी वाई बाई डी एक्स कितना आया देख लो, डी वाई बाई डी एक्स आया है माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस में बदल जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा वन बाय, और वन का स्क्वायर भी वन ही होगा, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। और ये हमारा क्या हुआ, आर एच एस हुआ। तो देखो एल एच एस और आर एच एस इक्वल है, तो हैंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड हो गया। ये था हमारा सवाल नंबर 17। 18 पे आते हैं हम लोग, 18 है कि y टू दी पावर y इक्वल टू e टू दी पावर a cos इनवर्स x, या कुछ कंडीशन है जिसमें हमें कोई लेना देना नहीं, इसका उतना प्रयोग नहीं है। सो डाइट हमें शो करके दिखाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। इस वाले पोर्शन को जीरो प्रूफ करके दिखाना है। तो एल एच एस वाले पोर्शन में देखो तुम्हें क्या क्या निकालना है, तुमको निकालना है पहले डी वाई बाई डी एक्स, और फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है। तो ये दोनों चीज़ हम लोग पहले निकाल लेते हैं। y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू e a cos इनवर्स x, डिफ्रेंसिएशन करते हैं और dy by dx निकालते हैं, डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू हो जाएगा यहां पे d e a cos इनवर्स x। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में, ex का x के रिस्पेक्ट में होता है, तो x यहाँ पे कौन है, डी ए कॉस इनवर्स x, फिर इनटू इसको चैन रूल में लेके ऊपर जाएंगे तो a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, कॉस इनवर्स x बाई dx। ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, ea कॉस इनवर्स x a, और कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स, ठीक बात। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए ई ए कॉस इनवर्स एक्स, और फिर डिवाइडेड बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं हम लोग इसको, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे माइनस ए देखो कॉन्स्टेंट है, क्या इसको बाहर कर दे, अभी माइनस ए को बाहर कर देते हैं, चलो माइनस ए आपका बाहर। अब डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यू बाई वी का फॉर्मूला है, तो पहले वी बाहर होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बाहर, डिफ्रेंसिएशन होगा डी ई ए कॉस इनवर्स एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, ए कॉस इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट, फिर इनटू डी ए कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। तो भी बाहर, यू का डिफरेंशिएशन, अब माइनस यू को बाहर छोड़ते हैं, यू में है ई ए कॉस इनवर्स एक्स, और भी के यहाँ पे क्या है, डी रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू डी वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और फिर डिवाइडेड बाई फॉर्मूला में क्या होता है, भी का स्क्वायर, और भी कितना है, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर इसका हो जाएगा स्क्वायर। इतना दूर तक समझ में आ रहा है बात, चलो आगे आते हैं। इक्वल टू माइनस ए रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है, ई ए कॉस इनवर्स एक्स, यहां पे ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और फिर कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ई ए कॉस इनवर्स एक्स,
रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन बाई टू रूट एक्स, टू रूट वन माइनस एक्स, वन का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई, इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा रूट, कितना आया, टू से टू यहां पे कैंसिल कर देते हैं, ये आपका कैंसिल हो, और कुछ कैंसिल होने वाला है, ये देखो रूट अंडर ये चीज भी कैंसिल हो गया आपका, तो फिर क्या बच गया, माइनस ए, यहां पे बचा आपका माइनस ए ई ए कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय, इसके नीचे वन लिख सकते हैं क्या, और यहां क्या बच गया आपका, ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और फिर एक्स ई ए कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ऑलरेडी तुम्हारा पहले से लगा हुआ था वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो इसमें प्लस कर देंगे इसको तो एलसीएम कितना आ जाएगा, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, भिन्न का जोड़ है दोनों, माइनस ए, अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसे डिवाइड करेंगे यही चीज यहां पे आके मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर टू ई ए कॉस इनवर्स एक्स, और प्लस इस बार डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा हमारा एक्स ई ए कॉस इनवर्स एक्स, और डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर भी था वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्लोज हुआ, इतना दूर तक क्लियर बात, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो वन, और ये टर्म कहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पे, तो है काफी सिंपल चीज, लेकिन आपको धैर्य रख के क्वेश्चन बनाना होगा, प्लस माइनस ध्यान में रखते हुए बनाना होगा, इक्वल टू माइनस ए, माइनस ए रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर ई ए कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स ई ए कॉस इनवर्स एक्स, और डिवाइडेड बाय इसका पावर कितना हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहां पावर वन है और रूट का पावर वन बाई टू है, दोनों पावर क्या होता है जुड़ जाता है जब बेस सेम रहता है, तो पावर हो जाएगा थ्री बाई टू, तो हम लोग निकाल क्या रहे थे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को निकाल रहे थे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा फाइनल में क्या हो गया, इस माइनस ए को अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस ये हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई ए कॉस इनवर्स एक्स प्लस ए, यहां भी मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन माइनस में हो जाएगा क्योंकि ए माइनस में है तुम्हारा, तो माइनस ए एक्स ई ए कॉस इनवर्स एक्स, और फिर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू, ये हमारा आया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हम एलएचएस वाले पोर्शन को ले लेते हैं जो सवाल में प्रूफ करने दिया था, एलएचएस हमारा किसके इक्वल है, एलएचएस दिया है वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और फिर है किधर गया भाई 18 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और फिर माइनस ए स्क्वायर वाई, ये हमारा एलएचएस वाला पोर्शन था, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाहर है, बाहर रहने दिए, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का देखो वैल्यू अभी आया है, कितना आया है लिख लो इसको, ए स्क्वायर रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई ए कॉस इनवर्स एक्स माइनस ए एक्स ई ए कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर का पावर थ्री बाई, ये हमारा डी टू वाई बाई एक्स स्क्वायर यहां पे रखते हैं, फिर माइनस एक्स है और है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था वो तो हम लोग ऊपर छोड़ चुके हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स देखते हैं कितना आया था, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई ए कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स आया, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना है माइनस ए ई ए कॉस इनवर्स एक्स और डिवाइडेड बाई रूट अंडर वन माइनस
एक्स स्क्वायर, और सवाल में देखो ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर, और वाई किसके इक्वल था 18 नंबर सवाल में, वाई हमारा था ई ए कॉस इनवर्स एक्स, ई ए कॉस इनवर्स। देखो यहां पे पावर कितना है 3/2 और यहां पे कितना है 1, अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो पावर कितना बच जाएगा, पावर कितना बच जाएगा 1/2 सिर्फ बच जाएगा, तो इसका पावर कितना बच गया 1/2। देखो ना इसका पावर कितना है 1 और यहां पावर कितना है 3/2, मतलब एक पूरा और एक रूट वाला, 1/2 को रूट ही ना बोलेंगे, ये पावर आपका कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच गया ए स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ई ए कॉस इनवर्स एक्स माइनस ए एक्स ई ए कॉस इनवर्स एक्स, और फिर डिवाइडेड बाय रूट अंडर, यहाँ पे पावर आधा बचा है तो आधा को हम लोग रूट बोलेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ई ए कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस इधर है ए स्क्वायर ई ए कॉस इनवर्स एक्स। अलग अलग हम इसको डिवाइड कर देते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे, इस पे और इससे, क्योंकि देखो एक्स प्लस वाई बाई टू है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं क्या, नहीं, एक्स बाई टू और प्लस वाई बाई टू, तो यही नियम से हम इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई ए कॉस इनवर्स एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस ए एक्स ई ए कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स ई ए कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर ई ए कॉस इनवर्स। देखो ये टर्म तुम्हारा माइनस में है और ये प्लस में है और ये रूट कैंसल हो जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे कितना, आपको यहाँ मिल जाएगा ए स्क्वायर ई ए कॉस इनवर्स एक्स, और यही चीज आपका उधर है माइनस में, माइनस ए स्क्वायर ई ए कॉस इनवर्स एक्स, माइनस प्लस कैंसिल होके जीरो हो गया, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।